नमस्कार, मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए रीडिंग करेंगे जो ओवरऑल होगी, और ये 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक है। ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी के साथ वैलिड हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो चलिए हम आपकी एनर्जी देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जेमिना यानी मिथुन राशि की एनर्जीज क्या कहती है। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जेमिना यानी मिथुन की एनर्जीज क्या कह रही है। तो चलिए देखते हैं। ये गाइड्स, ये सफलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सफलिंग ना होगी तो रीडिंग अच्छी नहीं आएगी। तो इसलिए ये लास्ट सफल है, फिर देखते हैं। चलिए, ये हेल्थ के लिए वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, बिजनेस, और ये आया है सिंगल्स के लिए, और ये रिलेशनशिप के लिए, और जो लास्ट कार्ड हमारा आया है वो गाइडेंस के लिए आया है। तो चलिए गाइस देख लेते हैं। ये जेमिनाई आपके लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये हेल्थ के लिए आया है। तो आप अभी ठीक दिखाई दे रहे हैं, स्वस्थ दिख रहे हैं, आपको कोई इतनी बड़ी परेशानी, इतने बड़े इश्यूज दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन आप कुछ लोग बहुत परेशानी, बहुत कठिनाइयों से गुजरे हैं, बहुत बीमार रहे हैं जो, और कुछ लोग अब भी हो सकता है कि अब भी काफ़ी बीमार हों। लेकिन जो जो लोग अब भी बीमार हैं तो उनके लिए ये एक अच्छी एनर्जी दिखाई दे रही है। वो लोग बहुत जल्दी ठीक होने वाले हैं अगर वो अपना समय पर ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, प्रेयर करते हैं, और घूमने फिरने जाते हैं, और अपने डाइजेशन इश्यूज अगर वो ठीक रखते हैं तो उनकी बीमारी उनके उसमें आ सकती है, ठीक हो सकती है, और जो रास्ता नहीं मिल रहा था उनको रास्ता मिल सकता है। लेकिन पीछे कुछ लोग बहुत ही गंभीर बीमारी से जूझते दिखाई दिए हैं कि जो बहुत कष्ट, बहुत परेशानी और बहुत तकलीफ़ों से गुजर कर बीमारियों से आए हैं, और अब कुछ स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं, कुछ ठीक दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप अपने स्वास्थ्य को ठीक रखना चाहते हैं तो समय पर उठना, समय पर बैठना, मेडिटेशन करना, प्रेयर करना, पार्क में घूमना, और सबसे मेन डाइजेशन का, खाने पीने का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो जेमिनाई आप काफ़ी जल्दी एनर्जी बन रही है कि इन दिनों में आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। तो ये है 7 ऑफ कप्स, तो ये वेल्थ के लिए है। हो सकता है कि किसी ना किसी कारण से आप में कुछ, या तो झगड़ा हुआ है, या तू मैं हुई है, या अपने किसी के फायदे के लिए आप कुछ यहाँ से, या तो बिजनेस से, या ऑफिस से, या घर से भी, कहीं से भी, मतलब एक किसी बंदे को छोड़कर दूसरे की भले के लिए जाना पड़ रहा है या जाना पड़ सकता है। तो अगर आप किसी के भले के लिए ये काम कर रहे हैं, किसी की इसमें भलाई है, तो इसमें लेट गो करना ही, मतलब चले जाना ही इसमें ठीक लग रहा है। कि कुछ समय के लिए अगर आप दूरियां बना लेते हैं, या उस जगह को छोड़ देते हैं जहां आप काम कर रहे हैं, या फाइनेंस का काम, कोई भी काम, जॉब कर रहे हैं, फाइनेंस का काम कर रहे हैं, या बिजनेस का कर रहे हैं, प्रॉपर्टी से लेकर जो भी काम जहां आप कर रहे हैं, अगर आप उस काम को कुछ दिनों के लिए वहां से छोड़कर, या तो ऑफिस चेंज कर लेते हैं, या जगह चेंज कर लेते हैं, या उस नौकरी को या उस बिजनेस को छोड़कर दूसरा ढूंढ लेते हैं, तो ये आपके फेवर में होगा। नहीं तो इसमें हो सकता है कि आपको थोड़ा सा इसमें घाटा भी हो सकता है अगर आप चेंज नहीं करेंगे तो। और अगर आप इसको चेंज कर लेते हैं, मूव ऑन करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, हो सकता है अपने अपनों की भलाई के लिए, कहीं अगर बच्चे या कोई बड़ा दूर जाना चाह रहा है, और घर में कोई फैमिली में मेंबर उसके लिए नहीं मान रहा हो, या फिर
बच्चा ही अगर माँ बाप को छोड़ कर जाता है तो माँ बाप इतने खुश नहीं होते, वो भी इसमें रीज़न कुछ ऐसा भी रीज़न कुछ हो सकता है कि कहीं ना कहीं दूर कमाने के लिए या किसी के भले के लिए ऐसा करना पड़ सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप फाइनेंशियली ग्रोथ पा सकते हैं। तो ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये स्टूडेंट के लिए आया है। स्टूडेंट्स, आप काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी टेंस हैं, काफ़ी प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। आप दो राहें पर खड़े हुए हैं, आप अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको अपनी परेशानी, अपनी टेंशन, अपने इमोशंस ये सब छोड़ना पड़ेगा और समय रहते आपको इसमें फैसला लेना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आप लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइन चूज नहीं कर पा रहे, ये नहीं समझ पा रहे कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस परीक्षा की तैयारी करनी है, या मैं किस जॉब के लिए तैयारी करूं, या यहाँ रह कर करूँ या बाहर जाकर करूँ। ऐसी कंफ्यूजन आपको शायद कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते, तरक्की नहीं कर सकते। तो इस कंफ्यूजन को पहले आपको छोड़ने की ज़रूरत है। जॉब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये काफ़ी अच्छा जॉब वालों के लिए आया है। तो हो सकता है कि आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिली है या तो मिलने वाली है। आप अपने फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ या ऑफिस वालों के साथ कहीं ना कहीं सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं, या बहुत जल्दी आप इसमें नज़र आएंगे। आ, 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 काफ़ी अच्छा आसार दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप को नई जॉब मिले, या हो सकता है कि आप जिस जॉब जॉब पर थे आपकी उसमें अच्छी प्रमोशन हो, आप अच्छे रैंक पर जाएं, अच्छे ओहदे पर जाएं। अगर आप इसको अपनी जॉब को अगर किसी मतलब मिलजुल कर करते हैं, अकेले ना रहकर अगर पार्टी में काम करते हैं, मतलब कई लोगों के साथ समूह में मिलकर काम करते हैं, तो आप इसमें और भी अच्छी ग्रोथ पा सकते हैं, नेम और फेम पा सकते हैं। अगर अकेले कोशिश करते हैं तो शायद आप इतना प्रॉफिट, इतना अच्छा मुनाफा ना पा सके। तो आपको इसमें मिलजुल कर मतलब दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। तो ये बिजनेस के लिए है। तो ये थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। तो आप देख रहे हैं कि लग रहा है कि हार्ट में तीन तीन तलवारें गड़ी हुई हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपने फाइनेंस में बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, बिजनेस में काफ़ी घाटा उठाया है, काफ़ी लॉसेज आपके हुए हैं, या फिर बहुत जल्दी आपका हो सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ ना कुछ आपका नुकसान हो जाए। तो समय रहते आपको काफ़ी संभलने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई आपको धोखा मिलने वाला है, कोई इतना बड़ा धोखा जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो, कोई ना कोई आपको धोखा दे सकता है। उसमें आपका कोई पार्टनर हो सकता है, कोई अपना आपका सगा संबंधी हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि इनकी वजह से आपको कोई बिजनेस में अपने पार्टनरशिप में धोखा मिले। तो आपको अभी के लिए इसमें काफ़ी अच्छा मतलब संभलने की सलाह दी जा रही है कि आप अपने आप को संभालिए और इन दुखों से, इन परेशानियों से बाहर निकलिए, तभी आप आगे अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचिए। जस्टिस, तो ये सिंगल्स के लिए है। अगर आपने अपना लव ढूंढ लिया है, प्यार ढूंढ लिया है, तो जो आप अपने प्यार के साथ, अपने लव के साथ करते हैं, उसके बदले में वैसा ही आप रिजल्ट पाने वाले हैं। ये जस्टिस का कार्ड है। तो जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। अगर आप अपने प्यार के प्रति वफादार हैं तो आप उनसे भी उसके बदले वफादारी पाओगे। अगर आप धोखा करते हैं तो आपको भी धोखा मिल सकता है। तो ये टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे वाला कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है। तो अच्छे कर्म करिए, अपने प्यार, अपने जो लव है उसके साथ आप अगर अच्छे से मतलब गुड वे में उनके साथ पेश आते हैं, अच्छा अच्छे से उनसे पेश आते हैं, कोई धोखाधड़ी, कोई फ्रेब, कोई उनसे नहीं बताते, तो मतलब उनके साथ कोई धोखा नहीं करते,
तो आपका को भी इसमें कोई धोखा नहीं मिलेगा, आपके साथ साथ भी न्याय होगा। और अगर कभी पहले प्यार में कोई धोखा या कुछ मिला है और उसी से आप अब भी लव करते हैं, तो अगर आप खुलकर बात कर लेते हैं तो आपके ये फेवर में हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं या रिलेशनशिप में शादी मतलब शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, तो आप को इसमें समय लग सकता है। धीरे धीरे आपका प्यार बढ़ेगा, आपकी मोहब्बत बढ़ेगी, आपका रिश्ता बढ़ेगा, या आप जिस शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं उसमें समय लग सकता है, लेकिन ये आपके फेवर में होगा। तो धीरे धीरे कोशिश कीजिए, आप अपने रिश्ते को अपने रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, प्यार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा सा डेट्स वगैरह पर जाइए, घूमिए फिरिए, मौज मस्ती कीजिए और थोड़ा सा एक दूसरे को जानिए। अगर कुछ दूरियां कुछ परेशानियां थी तो धीरे धीरे करके आप उस रिश्ते को भी पा सकते हैं, अपने प्यार को पा सकते हैं, अपने रिलेशन को पा सकते हैं, अपना रिलेशन अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उसमें समय लग सकता है। तो ये गाइडेंस के लिए है। अगर आप समय रहते कुछ भी संभल कर करते हैं तो आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी इसमें मिलती दिखाई दे रही है, आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। तो आपको इसमें नेम और फेम भी मिलेगा, जो भी काम आप करेंगे अगर सोच संभल कर समय रहते कर लेते हैं। और अगर आप देश विदेश में फॉरेन में या टूर ट्रैवल करना चाहते हैं या दूसरे स्टेट में भी मिलकर कुछ भी काम अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें सक्सेस मिलने के आपको आसार हैं। लेकिन आपको संभल कर सोच समझ कर कागज़ वगैरह चेक करके सारा सब कुछ चेक करके इसमें बढ़ने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।